हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल हिमाचली ब्लॉग्स। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा प्रशर झील, जो कि हिमाचल की बहुत ही प्रसिद्ध झील है, उसके बारे में और उससे कुछ रहस्यों जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइज, हम पहुंच चुके हैं झील के बहुत ही करीब। यहां से आगे हमें पैदल यात्रा ही करनी होगी क्योंकि वाहन यहीं तक जाते हैं और काफी सुंदर दृश्य है यहां का देखने में। हरे बड़े पहाड़ और यहां पर चरते हुए भेड़ बकरियां, जो कि काफी सुंदर लग रही हैं देखने में। ये झील 2730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मंडी बस स्टैंड से 52 किलोमीटर की दूरी पर प्राशर गांव में स्थित है। तो अब हम पहुंच चुके हैं ऊपर। यहां पर खाने पीने की अच्छी सुविधा है और कुछ ढाबे भी हैं। यहां पर रहने के लिए थोड़ी ही दूरी पर सराएं भी बनी हुई हैं, जहां पर यात्री आराम से रुक सकते हैं। प्राशर झील, जिसमें लगभग 300 मीटर की परिधि है, इसमें एक तैरता द्वीप है। इसके किनारे पर यह बना हुआ मंदिर है, 3 मंजिला मंदिर है। तो आप देख सकते हैं झील को। अभी हम इसके और करीब जाएंगे। और साथ में इसके कुछ रहस्यों आपको बताएंगे। काफी अच्छा दृश्य है और चारों तरफ ये सुंदर पहाड़। जो इस झील के किनारे मंदिर बना हुआ है, माना जाता है ये मंदिर देवदार के पेड़ की लकड़ी का उपयोग करके ही बनाया गया है। और इस मंदिर के निर्माण को पूरा करने के लिए 12 साल लग गए थे। झील के चारों ओर घूमने से आसपास के रहस्यों में ही अनुभव का पता चलता है। अभी हम जाएंगे यहां से 100 मीटर की दूरी पर नीचे। तो आप देख सकते हैं काफी सुंदर दृश्य है। इस झील में कई प्रकार की मछलियां भी पाई जाती हैं। कहा जाता है कि आज तक इस झील की गहराई का कोई पता नहीं लगा सका है। और ये जो तैरता हुआ द्वीप आपको दिखाई दे रहा है, ये काफी ही रहस्यमय है। ये इसी झील में हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता है। कभी ये एक किनारे पर दिखता है तो कभी दूसरे किनारे पर। प्राशर झील हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में स्थित है। ये बस स्टैंड से 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इसके चारों ओर का दृश्य काफी ही सुंदर दिखाई पड़ता है। तो साथ साथ में एंजॉय करो इस दृश्य को। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। परंपरागत रूप से ऐसा माना जाता है कि ये झील का गठन ऋषि प्राशर द्वारा रोड के हमले के परिणाम स्वरूप किया गया था और तभी यहां से पानी निकला और झील का आकार लिया। ये झील देखने में बहुत
छोटी दिखाई पड़ती है, लेकिन इसकी वृद्धि करीब 300 मीटर तक की है। और ये जो बीच में टापू आपको दिखाई दे रहा है, ये भी काफी बड़ा है। ये द्वीप हमेशा इस झील में तैरता रहता है, इसलिए इसको टहला भी कहते हैं। ये हमेशा हमें एक किनारे से दूसरे किनारे पर दिख जाता है। इस मंदिर का निर्माण पंगोड़ा शैली में किया गया है। 13वीं 14वीं शताब्दी में राजा बनसेन द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया था, जिसमें ऋषि पिंडी पत्थर के रूप में आज भी मौजूद है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस झील का अलग अलग मौसम में अलग अलग नज़ारा आपको देखने को मिलता है। मैं कुछ पिक्स आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ये पेड़ यहाँ पर काफी खूबसूरत लग रहा है। सर्दियों में ये पूरी नदी बर्फ से ढक जाती है, जो कि अभी हम आगे देखेंगे। आजकल गर्मियों के मौसम में घास सूख जाता है, तो अभी हम आपको कुछ पिक्स दिखाएंगे। ये है फरवरी मार्च के मंथ की, ऐसा व्यू दिखता है यहाँ पर। और सर्दियों में ये मंदिर ऐसा दिखता है, और ये झील पूरी की पूरी बर्फ से ढक जाती है, और बरसात के मौसम में ये झील हरी भरी हो जाती है। हाय गाइस, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त, और बहुत जल्द मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ और एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।